स्टूडेंट, आज जो हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास है वो भी टूल्स कमांड में से है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल बेसिकली क्या होता है पहले आपको ये समझना है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में एक होता है आपके पास ग्रेडियंट, एक होता है सॉलिड। सॉलिड कलर वो होता है जिसमें सिर्फ एक कलर होता है, कोई सा भी एक कलर। लेकिन ग्रेडियंट कलर में मिनिमम कलर जो है वो टू होते हैं। दो कलर्स कम से कम होंगे तो आपका ग्रेडियंट बनेगा। आपका कभी भी ग्रेडियंट एक कलर पे नहीं बनता है, ठीक है ना। दो कलर आपके होने चाहिए, दो कलर के जो है आपका ग्रेडियंट बनता है। अब यहाँ पर जो है ग्रेडियंट में लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट भी है। आप ये पहले भी वर्ड में भी देख चुके हैं, फोटोशॉप में भी देख चुके हैं। ग्रेडियंट का स्टार्ट एंड कहाँ से होता है वो भी आपको इसमें पता चलेगा। चेंज कलर ग्रेडियंट का किस तरह से करते हैं वो भी पता चलेगा। और एंगल और डायरेक्शन आप किस तरह से चेंज करेंगे वो भी आपको पता चलेगा। तो चलते हैं हम अपने इलस्ट्रेटर के उस पर। यहाँ पर ये ग्रेडियंट का आइकन आपको नज़र आ रहा है, इलस्ट्रेटर पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि हम ग्रेडियंट पे क्या काम कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर इसको एक्स डिफ़ॉल्ट जो है वो कर रही हूँ। यहाँ पर ये और यहाँ पर मैंने इसको नन कर दिया, ये डिफ़ॉल्ट है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने एक ये लिया, एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल मैश टूल आपने देखा है उसमें भी ग्रेडियंट का इफेक्ट होता है, लेकिन उसमें हम अपनी मर्जी से कलर्स को मैश पॉइंट से इंसर्ट करते जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने ये लिया, अब यहाँ पर देखिए फोरग्राउंड कलर में जो इसका बल्कि फोरग्राउंड कलर छोड़ दें, मैं यहाँ पर ग्रेडियंट पे क्लिक करती हूँ। जब ग्रेडियंट पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर मेरे पास एक यहाँ स्टार्टअप में ग्रेडियंट मौजूद है, अब आपके पास यहाँ पर आ गया। अभी आपके पास जो दोनों कलर हैं वो ये, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास ग्रेडियंट है और ये आपके पास जो है इसका ग्रेडियंट की बार है कि आपने कहाँ से कलर लेना है। पहले तो हम कलर इसमें डालेंगे। कलर डालने के लिए आप जो है यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। आप स्वेचेज में से आप आ जाएँ यहाँ पर, ठीक है ना, या यहाँ से ले लें आप कलर। यहाँ पर दबाएँगे आपको कलर, यहाँ से जो है आपके इसमें से आप जो है RGB से कर लें तो ये RGB कलर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। और RGB कलर्स करके आप कोई भी यहाँ पर ये लाइट, यहाँ पर लाइट रखती हूँ और ये वाले पे मैं जो हूँ यहाँ पर मैंने लाइट रख दिया और यहाँ पर जो है मैं यही कलर लूँगी, ठीक है ना। और यहाँ पर भी मैं RGB दे दूँगी, ठीक है। मैं अभी कलर का आपको एक दिन कलर की क्लास दूँगी जिसमें HSB और ये सब चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं इसको भी यही कलर दूंगी, लेकिन इसको मैं थोड़ा डार्क करूंगी। लेफ्ट साइड पे हम लाइट रखेंगे और राइट साइड पे हम डार्क रखेंगे। ये ग्रेडियंट मैंने बना दिया, यहाँ पर ये चीज़ आ गई। आपको बीच में बताए कोई भी आपको यहाँ पर ऐड करना हो तो आप यहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं और यहाँ पर से भी आप ये काम ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया मैंने और यहाँ पर मैंने इसको बीच में वाइट का इफेक्ट दे दिया, तो आप देखें आपका जो है सिल्वर का इफेक्ट ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये ग्रेडियंट दे दिया, लेकिन इसको मैंने जो है यहाँ पर इससे भी मैं यहाँ पर इसको कम ज़्यादा ये कर सकती हूँ कि मेरे पास डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर। लेकिन इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको जो है वो इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं ये, और यहाँ पर आप इसे जो है इसको ये रोटेट कर सकते हैं कि रोटेट करके आप जैसे लीनियर वो देते हैं ना, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से इसको वो कर सकते हैं और यहाँ पर ये बढ़ा सकते हैं, कलर दे सकते हैं, इसमें से कोई भी स्वेचेस ये कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये आता है। अब ये पहले क्यों आया हुआ था, पहले इसलिए आया हुआ था कि मैंने इसको जैसे मैं क्लिक करूँगी ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपने ये देख लिया कि जब हमने जो है बीच में वाइट डाल दिया तो हमारे पास एक 3D ग्रेडियंट बन गया, यानी बीच में एक वो आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पर ये चीज़ है जनाब, तो यहाँ पर आपने ये देख लिया ग्रेडियंट का, ये आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पर जब आप ये करते हैं ये चीज़ आपके पास आ जाती है और ये चीज़ आने के बाद ये आपका आ गया। यहाँ पर आप कोई भी स्वेचेज ऐड कर सकते हैं और कोई भी स्वेचेज आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से आप जो भी लेंगे वो डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है लीनियर ग्रेडियंट है हमारे पास और रेडियल ग्रेडियंट है, दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, ठीक है ना, लीनियर और ग्रेडियंट। यहाँ पर आप लीनियर लेंगे तो ये आएगा और ग्रेडियंट वो लेंगे तो ये आएगा। जब ग्रेडियंट में आप जाते हैं देखिए, ये तो आपके पास वो कलर हैं जो आपके मौजूद हैं, लेकिन आपके पास ग्रेडियंट का एक बड़ा सा ख़जाना भी मौजूद है जो कि आप यहाँ से इसको जो है यहाँ पर अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पर से नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हाइड ऑप्शन इसको, ये हाइड ऑप्शन हो गया, शो ऑप्शन शो। अब यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर भी ये खुल बंद हो रहा है यहाँ। अब आ जाते हैं विंडो में। अब यहाँ पर ज़रा देख लें आप, यहाँ पर आएँगे आप, नीचे आएंगे आप, नीचे आके आप स्वेचेस में आ जाएंगे। स्वेचेस में आने के बाद आपको यहाँ ग्रेडियंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ग्रेडियंट में ये ग्रेडियंट के बहुत ये ब्राइट कलर हैं ग्रेडियंट के, देखिए
या आपके पास ब्राइट कलर आ गए इंग्रेडिएंट, या आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं इसमें से, ये ब्राइट कलर है आपके पास सारे, ठीक है ना। अब आप यहीं से नीचे से ले रहे हैं, आपको जो है फूड्स के कलर चाहिए, कौन से आइसक्रीम के कलर चाहिए, या आइसक्रीम के बल्कि नहीं, आपको ग्रेडियंट में से चाहिए ना, सॉरी ग्रेडियंट में से यहाँ से जो है ये कलर हारमोन्स लेना है। मैंने कलर हारमोन्स आ गए आपके, देखिए यहाँ पर ये बने हुए, ठीक है ये बने। आप यहाँ से एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर ये वाला कलर चाहिए, ये वाला ले लिया आपने। आप यहाँ पर जो है यहाँ पर आप कोई, मैं ग्रेडियंट की बात करूँ तो मैं ग्रेडियंट में ही जाऊँगी। ग्रेडियंट में जाके मैं यहाँ सीज़न के कलर लेना चाहती हूँ, ये देखिए ये सीज़न के कलर हैं, ये देखिए सही है, ये बने बनाए सारे ग्रेडियंट है। समझ आ रहा है आपको कि आप कोई भी शेप लेंगे, कुछ भी लेंगे, आप वहाँ पर जो है ग्रेडियंट ले लेंगे। अगर मैं यहाँ पर सिंबल लेती हूँ, देखिए सिंबल मैंने यहाँ पर, मैं आप सिंबल पे थोड़ा सा आपको काम बता दूँ, सिंबल लिए हुए मैंने, ठीक है ना। लेकिन सिंबल मैं ये वाले लेना चाहती हूँ जिसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें हों, जैसे ये नेचर का सिंबल है, यहाँ पर मैंने जो है ये ले लिया, फैशन का सिंबल कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर ये आ गया नेचर का सिंबल मेरे पास, ये आ गया। इसमें से इसमें किसी चीज़ में अगर ग्रेडियंट देना हो आपको तो फ़र्ज़ करें ये मैंने ले लिया है यहाँ पर। अब देखिए इसमें आप कलर ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे ये है ना, इसमें कलर चेंज नहीं कर सकते हैं, ये देखिए ये आपके पास आ गए। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, फिल और दोनों को एक्सपेंड करेंगे, ओके ये एक्सपेंड हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर अनग्रुप कर लेंगे इसे, ठीक है, ये अनग्रुप हो गया। इसके बाद दोबारा से आप जाएंगे अनग्रुप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए हो गया आपका अनग्रुप। अब यहाँ पर आप जो है ये देखिए डल रहा है ग्रेडियंट इस तरह से। आप अगर एक साथ डालना चाहें तीनों में उसमें, तो यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे, शिफ्ट के साथ ये, शिफ्ट के साथ ये, शिफ्ट के साथ ये, और यहाँ पर इसको इस तरह, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ कर सकते हैं। और जब आप ये ले रहे हैं और ये आ रहे हैं, इसको जो है ना आप वो कर दें, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें और ये करके इसको डिलीट कर दें आप, ताकि ये जो है ना बॉक्स डिलीट हो जाए आपका, फिर आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए आपके पास आ रहा है ये, यहाँ से आपने आराम से जो है ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो भी ग्रेडियंट है वो, तो आप सिंबल पर इस तरह से काम कर सकते हैं, कोई भी सिंबल लेकर आप ये काम कर सकते हैं, और यहाँ से जो है आप उसे जो भी देना चाहें, जो भी करना चाहें वो दे सकते हैं। वैसे तो आपको मैं लाइव पेंट भी बता चुकी हूँ, मैं बहुत सारे तरीके आपको बता चुकी हूँ, आप हर तरीके से वो काम कर सकते हैं, हर तरीके से वो चीज़ ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इस तरह से ये चीज़ आपकी हो सकती है। ब्लैक लाइन भी आपको बता दिया था किस तरह से आप हटा सकते हैं, किस तरह से वो कर सकते हैं, वो चीज़ भी आपको आ गई है, ठीक। और कंपाउंड अगर आप हटा देंगे उसका, तो वो भी चीज़ आपको आ गई है। तो यहाँ से आपने ये देख लिया कि ये ग्रेडियंट है आपका, समझ में आ गई ये चीज़। अच्छा अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर गोल्ड कुछ बनाना चाहूँ, गोल्ड का कलर देना चाहूँ, गोल्ड का कलर देने में मेरे पास दो कलर मुझे चाहिए, ऑरेंज और येलो का शेड। ऑरेंज और येलो का शेड मैं यहाँ से लूँगी, ठीक है ना, यहाँ से मैंने लिया, यहाँ से जो है ऑरेंज। और ये ऐसी क्या चीज़ वहाँ बता रहे हैं कि सबके सब हैं वहाँ, बोलो रासिफ दूसरी जगहों पे आओ। यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट में दे रही हूँ, यहाँ पर मैं आती हूँ ग्रेडियंट में आ गई यहाँ पर। अब देखिए बीच का मुझे कलर नहीं चाहिए, मैं गोल्ड का कलर बना रही हूँ। गोल्ड के कलर में जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगी जनाब, यहाँ पर जो है ये वाला कलर डबल क्लिक करूँगी। यहाँ मैं लाइट कलर, हमेशा लेफ्ट साइड पे लाइट कलर देंगे, लाइट येलो का इफेक्ट देती हूँ मैं यहाँ पर लाइट। और देखिए ये ऑरेंज का इफेक्ट आ गया, ऑटोमेटिक बन गया है, ठीक है ना, यहाँ पर ऑरेंज का इफेक्ट। तो गोल्ड का कलर ये आपका आ गया, ठीक है ना। अगर नहीं आए तो आप यहाँ से थोड़ा सा उसको वो कर दें डार्क लाइट जो भी है। ये CMY के कलर था, ये किसी में आपकी पूरी क्लास लूँगी मैं कलर्स की, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास ये गोल्ड का कलर बन गया है, और ये देखिए आपके सामने ही, ठीक है ना, ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट बने बनाए भी होते हैं, और आप फ्री पिक्चर और उससे ले सकते हैं बने बनाए, ठीक है ना। ग्रेडियंट किस तरह चाहिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक बॉक्स लिया मैंने यहाँ पर आ गई मैं ये, और यहाँ पर जो है मैंने इसको नन कर दिया, और यहाँ पर मैंने इस पे बॉक्स का थोड़ा सा मैंने जो है साइज़ बड़ा कर लिया, थोड़ा ये कर दिया, ठीक है ना, यानी कि स्ट्रोक मैंने ये दे दिया इसका। अब ये स्ट्रोक जो है इसके अंदर में यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर मैं पिकर से करूँगी तो ये मेरा ग्रेडियंट ही आ जाएगा, ये यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ही देना, मुझे ग्रेडियंट नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, मुझे चाहिए सॉलिड कलर, ठीक है।
सॉलिड कलर मुझे येलो चाहिए, शिफ्ट के साथ जब मैं दबाऊंगी तो येलो सॉलिड कलर मेरा आ गया है, देखिए आ गया येलो सॉलिड कलर, ठीक है ना। शिफ्ट के साथ ये दबाऊंगी तो देखिए ऑरेंज आ गया शिफ्ट के साथ, लेकिन अगर वैसे दबाऊंगी तो ग्रेडियंट आएगा आपका, ठीक है ना, सही है। और वो ग्रेडियंट यहाँ भी आप करेंगे नीचे ये आ जाएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ ये ले रही हूँ, सॉलिड कलर आ गया, और यहाँ से जो है मैं इसको बढ़ा रही हूँ, ये आ गया आपके सामने, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। बहुत मोटा हो गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर, ठीक है, फोर दे दिया मैंने, कंट्रोल प्लस कर दिया, ये आ गया। अब देखिए मैं इसको जो है यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दूँगी, मुझे सिर्फ ये चाहिए, ठीक है। और ये करने के बाद मैं कंट्रोल डी करूँगी, इसको कंट्रोल सी करूँगी, कंट्रोल वी करूँगी, ये आ जाएगा। या फिर इस तरह से करूँगी कि यहाँ पर लेकर ऑल्ट दबा के मैं इसकी एक कॉपी बना लूँगी, ठीक है ना, जो आपको पता है, ठीक है ना, ये कॉपी। अब इसको मैं रोटेट करूँगी इसी एंगल पे, जिस एंगल पे ये है, सही है। अब देखिए क्या फ़ायदा हुआ, मैं यहाँ से करके और इसको जोड़ूँगी, लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि मुझे इसमें ऑरेंज कलर देना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लेती हूँ, मैं पिकर यूज़ करती हूँ आई, और यहाँ पर शिफ्ट के साथ ये मैं ऑरेंज कलर दे, एक मेरे पास ऑरेंज आ गया और एक मेरे पास क्या आ गया कि येलो। अब दोनों को मिला के ग्रुप कर दूंगी मैं, कंट्रोल जी, ग्रुप इसलिए किया है कि दोनों एक साथ मिले रहे हैं, आपने जोड़ा इसलिए नहीं, ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि एक कलर आ जाएगा, दोनों ग्रुप में दोनों कलर आएंगे। अब आप देखें ये कि मैं जब इसको इसको ले जाके इस बॉक्स पे रखती हूँ, देखा आपने, एक इल्यूजन बन गया, इल्यूजन वो कि एक यानी कि आपका आई का इफेक्ट, यानी कि एक वो जिसमें आपका आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ें, लेकिन आपको क्या करके दे रही है वो, ये इम्बोज इफेक्ट बना के दे रही है आपको। अगर मैं यहीं लेती हूँ ये कंट्रोल डी कंट्रोल जेड, यहाँ पर जो है इसको मैं ऑल्ट के साथ लेती हूँ यहाँ पर, और मैं इसको इस तरह से ये कर देती हूँ, और मैं इसको शिफ्ट के साथ छोटा कर देती हूँ। अब आप देखिएगा मैंने कलर को रिवर्स कर दिया है, तो ये इनग्रेव इफेक्ट देगा मुझे, सही है। आप देख रहे सिर्फ आंखों का इल्यूजन है, यानी आंखों का एक धोखा है जिसकी वजह से वो जो है आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये है कुछ भी नहीं। इसके बाद एक और लिया मैंने यहाँ पर, और मैंने इसको रोटेट कर दिया वही उसी पर, आप वहाँ से एंगल भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह रोटेट करने के बजाय, शिफ्ट के साथ ये ले लिया मैंने, और यहाँ पर जो है मैं इसको इम्बोज इनग्रेव फिर इम्बोज, देखिए आप इस तरह से आप एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, इम्बोज इनग्रेव इम्बोज, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये चीज़ आ गई आपको समझ में इस तरह से। अच्छा देखिए ग्रेडियंट जो है, अगर फ्री पिक आप देखें, आप यहाँ पर टाइप करना चाहें, अगर देखिए यहाँ पर आप ये लें डाउनलोड फ्री ग्रेडियंट फॉर इलस्ट्रेटर, ठीक है ना, यहाँ पर दे दिया, या ईपीएस फॉर्मेट आप कर लें या जो भी कर लें, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए देखिए इलस्ट्रेटर ग्रेडियंट, यहाँ फ्री डाउनलोड आप कर सकते हैं, वेक्टर आर्ट में मौजूद है। यहाँ पर अगर मैं ये देखूँ आपको, यहाँ पर स्विचेस मौजूद है, यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है, आप यहाँ से जैसे आपको गोल्ड का ग्रेडियंट चाहिए ना और आपके पास नहीं है तो आप जाइए और यहाँ पर आप गोल्ड का ग्रेडियंट टाइप कर देंगे, ग्रेडियंट गोल्ड AI फॉर्मेट इन AI फॉर्मेट AI EPS फॉर्मेट या AI, तो आपको गोल्ड का ग्रेडियंट, ये कितने गोल्ड ग्रेडियंट आ गए, देखिए सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्लिक किया आपने, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये प्रो का आ रहा है और ये आ रहा है, यहाँ पर साइन अप आप कर लेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये मुझे नहीं पता, ये तो फ़ौरन फ्री देता, मैं अपने इससे कर लेती हूँ इसको, शायद मेरा हुआ हुआ भी है इससे, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो है ये चीज़ आ जाएगी आपकी, लेकिन यहाँ पर ये आपका अभी प्रो में दे रहा है, पहले ये मेरे पास फ्री में था, मैं तो इसको डायरेक्ट लेती थी यहाँ से। यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर आने के बाद इसको ज्वाइन प्रो नहीं करना, आपने प्रो जो है उसका वो परचेजिंग वाला है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, उसमें आप देख लीजिएगा फ्री पिक में भी आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपने ये लिया, ये चीज़ आ गई आपकी, ठीक है ना। यहाँ पर ये ग्रेडियंट दे रहा है, आप देखते हैं इसको, देखते हैं हम गोल्ड ग्रेडियंट है ये आपके गोल्ड की, देखिए वेक्टर PSD ये आ गया, ये आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, ये आ रहा है डाउनलोड, ठीक। डाउनलोड आने के बाद आप यहाँ आ जाएँ, आपने जो है प्रीमियम नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया आपका, और ये देखिए यहाँ पर फाइल टाइप EPS है और JPEG है,
यहाँ पर आ जाते हैं। ये क्या मसला है, सारे प्रीमियम ये आ गया नीचे, फ्री डाउनलोड, ठीक है ना, फ्री डाउनलोड आपका, वहाँ बैठे मैं भी आ रही हूँ, ठीक है ना, फ्री डाउनलोड आपने कर दिया, यहाँ पर आ गया। एक सिर्फ दिखाऊंगी, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, सर्च करेंगे बहुत सारे आपको फ्री डाउनलोड मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए हम, ये रहा हमारा, और ये कहाँ जा रहे हैं, कंप्रेस की फाइल में जा रहे हैं। कंप्रेस की फाइल में मैं चली जाती हूँ, डाउनलोड के अंदर कंप्रेस की फाइल है, डाउनलोड के अंदर कंप्रेस की फाइल है, कंप्रेस की फाइल में मैं आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ आ गई कंप्रेस ही आ गया। अब यहाँ पर ये आ गया आपका, एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने इसे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब देखिए इसको बस खोलना है और मुझे बताना है आपको। यहाँ पर मैं आ गई और यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने येलो, ये रहा, ठीक है, थोड़ा सा ये हो जाए, कहाँ चला गया, ये आ गया, ये देखिए यहाँ पर ये आ गया, ये रही आपकी इनको, ठीक है ना। यहाँ पर आप आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और आपको अपने किसी उसमें क्या कर लिया मैंने, एक मिनट रुक गया, यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर आने के बाद किसको खोल लिया मैंने, यहाँ पर कहाँ गया वो आपका, ये रहा स्टॉप येलो, ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आप आ जाएंगे, यहाँ पर ईपीएस की और एआई की फाइल होगी आपके पास। यहाँ पर आने के बाद आप देखिए, अगर मैं इसको वो करती हूँ तो ये इसके लाइसेंस भी दिए हुए हैं, ये रही, इसको आप जो है ओपन विद कर लें किस में, एआई में, ठीक है ना, एआई में ओपन कर लेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ये ग्रेडियंट आ गए बने बनाए, आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल कोई भी आपकी शेप है उसमें गोल का देना है, कौन सा गोल का, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बने बनाए ग्रेडियंट आ गए, बने बनाए आपके पास हर तरह के ग्रेडियंट होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, मैंने ग्रेडियंट का पूरा आपको बता दिया है, हर तरह से बने बनाए ग्रेडियंट भी बता दिए हैं, ये भी बता दिया कि किस तरह से ग्रेडियंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये भी बता दिए थे ग्रेडियंट किस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है, गोल के ग्रेडियंट बना के आप इम्बोज और इंग्रेव के इफेक्ट किस तरह दे सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।